हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग का हॉस्टल में लास्ट नाइट है, तो हम लोग कुछ मस्तियाँ मेमोरीज बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठा हुआ है और कुछ कर रहा है। तो इसके लिए मतलब हम अभी आप लोगों को दिखाएगा हम लोग क्या कर रहा है रात का 10:30 बजे में। तो लेट्स सी, आप लोग देखते रहना हम लोग क्या क्या हॉस्टल में बदमाशियाँ करता है ये सब। तो गाइस हम लोग ये सब किया है प्रिपरेशन। ये है मैंगो, ये सूप नूडल्स, ला ला ला, हाँ सूप नूडल्स है। नहीं नहीं किमची नहीं है, किमची वो है। ये है किमची, ये सब कोरियन नूडल्स है और अंडा, जो कि नूडल्स का साथ खाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए लिया है। और आम, पक्का आम है, कच्चा आम नहीं है। हाँ गाइस, समर में आम का मज़ा नहीं लेगा तो क्या फ़ायदा ना। और ये है हम लोग का कॉक, हम लोग 6 जन है तो 6 जन का कॉक है। और ये है फ्राइड राइस, एंड यहाँ पे ये लड़की का, ये लड़की का फेवरेट सब्जी है। ये है मोमो, ऐसा करके हम लोग इतना सारा इंग्रेडिएंट्स, और डेयरी मिल्क भी है बोले, ओए डेयरी मिल्क भी है बोले। तो ये सब हम लोग खाने वाला है 6 जन मिलके, और यही लास्ट नाइट है हम लोग एक साथ, फिर कभी मिलेगा या नहीं पता नहीं, तो इसलिए हम लोग ये मेमोरीज कैप्चर कर रहा है। 1 2 3 हो गया, अभी हम लोग खाने के लिए स्टार्ट करेंगे। वीडियो वाला सुन रहा है तेरा बात। सूप वाला मेरे तरफ भेजा दो। ओ वो किमची, किमची इधर तो मासी से बैठा दो। मुगो में और हम देखो गाइस, ये वाला नूडल्स का अंडर में ऐसा मिला, मोरम से कोरियन से लिखा हुआ है। क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छा लगा। और देखो ये लोग बदमाश लोग, बदमाश लोग क्या क्या कर रहे हैं। रीता, तेरा मैंगो अभी तक खत्म नहीं हुआ। देखो ना, दो तरफ से फटा गया। दो तरफ से फटा गया। दनो नेक्स्ट इज आर चुड़ी एंड द लास्ट इज यूट्यूबर। गेट रेडी, यू विल गेट अ सरप्राइज नाउ। आर यू ऑल रेडी टू गेट अ सरप्राइज? मम्मी जल्दी आएगा। I brought something for you guys. Yeah. What is this? This is a farewell gift from my side. Wow! Anju! Anju! I love you. This is for Juri, Moran. Whoa. Moran, show. This is for Juri. So, yeah. Oh, for me too. Wow! Duina! This is for Tulu. Wow, I love it! Duno, you think how? Oh my god, I'm a mom.
सरप्राइज कैसे लगा तुम लोग को? अच्छा लगा? ठीक है, तुम लोग को पसंद आया वही मेरे लिए बड़ा बात है। हम लोग एक साथ ये हॉस्टल में इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया है, वो सब लेके फिर से कॉलेज में भी हम लोग तो एक साथ ही था ना, तो वो सब को लेके तुमको अभी मतलब कैसा मतलब फील हो रहा है? अभी हम लोग फाइनली हम लोग आज रात ही लास्ट है और कल से हम लोग एक दूसरे का चेहरा देखने नहीं मिलेगा, कैसा लग रहा है तुमको? हमको बोलने से बहुत दुख हो रहा है लेकिन हम बहुत कंट्रोल में है और क्योंकि जो भी हो ना हम लोग 5 साल देख के आया है। हाँ, इसलिए ऐसा तारीफ सुनने के लिए पसंद है। हाँ श्योर करेगा, यही सुनना बाकी था। और थैंक यू, मोस्ट वेलकम। रीता, तुम्हारे लिए भी सेम क्वेश्चन है। हॉस्टल में हम लोग इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया है, हम लोग का ग्रुप जो अलग से, तो तुमको मतलब हाँ पता ही बोले तो तुमको मतलब कैसा लगा हम लोग के साथ ऐसा टाइम स्पेंड करके? मतलब देखो, हम तो पहले कभी हॉस्टल में नहीं बैठा था। हाँ देखो, मेरा हिंदी थोड़ा खराब है, मतलब हम अरुणाचल के ही बोल दो। नहीं, हम अरुणाचल भी नहीं है, हम थोड़ा समझ सकते हैं। क्या समझते? समझ नहीं आते। हाँ बोलो, उसको बोलने दो। हाँ बोलने दो उसको। मतलब पहली बार हॉस्टल में बैठा था और मतलब मेरा दीदी लोग चला जाने के बाद हमको पता नहीं था कि हम कैसे इतना अच्छे से रहेगा ना। मतलब हमको बहुत दुख लगा था पहली बार तो, और हम दीदी लोग के लिए बहुत रोया था और तुम हमको बहुत समझाया था, वो हम बहुत मतलब हमेशा याद रखेगा। और क्या बोलेगा, हाँ तुम लोग बहुत अच्छे हो। रीता, हम कैसे? हाँ, दोनों सभी अच्छा है, इसलिए हम दोस्त बना, नहीं तो तुम्हारा दोस्त भी नहीं बना। अच्छा चलो देख लो, इसका एडिट हो थोड़ा सा। और वैसे तो हम ज़्यादा दोस्त बनाता नहीं है ना, लेकिन तुम लोग मेरा सबसे ज़्यादा खास है। और मीन्स हम हॉस्टल में तो सिर्फ दोस्त बनाए ना, कॉलेज में तो बनाए नहीं है। ये अकेला ही घूमता है, हम दोनों और हम वही, और तुम लोग आपको सबसे बात है जो हम से याद रखेगा, और इतना प्यारा है। थैंक यू सो मच। और इसका चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, हम तो हमेशा सपोर्ट कर रहे, बोलते हैं बार-बार। अभी चलिए, इसका हमेशा यही होता है, कैमरा में जब भी आता है हमको शर्म लगता है, वही बोलेगा और चेहरा छुपाता रहता है। अरे मैं चुरी, तुमको कैसा लगा हम लोग का साथ इतना टाइम स्पेंड करके? हाँ ठीक है, कोई बने ऐसा चेहरा छुपा के बोल दो, कोई बने चलेगा, बोलो जल्दी। और हो गया, कुछ बोला ही नहीं गाइस। देखो ये हमेशा ऐसा ही होता है, हाँ बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है ये। देखो अभी भी कैसा छुप रहे, हाल होता है यार। तो ना अभी बोलो तुम, कैसा लगा तुमको हम लोग का साथ इतना कम वक्त में इतना ज्यादा फ्री हो गया तुम, और हम लोग का साथ इतना अच्छा से रहता है, कैसा लगा अभी हम लोग? नहीं ऐसा हुआ था ना, पहले में तो हम ये हम लोग का हॉस्टल में 2 बिल्डिंग है, हॉस्टल वार्ड हॉस्टल। तो पहले में हम था हॉस्टल वार्ड में, जो कि मतलब वहाँ भी फ्रेंड्स था, लेकिन वो हॉस्टल लाइफ वाला फीलिंग नहीं आता था, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है ना हॉस्टल में। हम बचपन से लेके बस पेरेंट्स का साथ ही था, पेरेंट्स हमको अपना स्कूल में भेजता नहीं था, और डिग्री में फर्स्ट टाइम इतना बड़ा हो गया हम हॉस्टल में आया है। और जब से ईयर का दम मिला है तब पता चला हॉस्टल लाइफ कैसा होता है, इतना इन्जॉयमेंट, इतना फनी इमोशन आया, सब कुछ मतलब सब कुछ बड़ों से सीखने के लिए कुछ मिला ना, कि कैसे बोलेगा हम मिला उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन मेरा फीलिंग्स है, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू मीट यू ऑल। चप्पी मिस करेगा, यहाँ से वीडियो सब देखते रहना, क्योंकि मतलब हम लोग तो जो भी
ज्यादा दूर का नहीं है ना, मतलब ये जो थोड़ा सा दूर का है ना, दूर का मेरा घर रायगढ़ का है ना, तो इसलिए इसको मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और जो भी हो मतलब इसका पेरेंट्स थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है ना, इसलिए आने के लिए भी नहीं देगा। कोई बात नहीं, घर आएगा भी हम लोग, मेरा घर आएगा ना, अंजू फाइनली योर टर्न, बोलो तुमको कैसा लग रहा है अभी हम लोग का साथ रहेंगे। तुम्हारा भी ये सुनो, तुम्हारा भी ये हॉस्टल का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तुमको कैसा लगा हम लोग का साथ इतना ये दो साल में ऐसे टाइम स्पेंड करके कैसा लगा? बोलो ये मेरा हॉस्टल का फर्स्ट लाइफ है। हाँ उसके बाद अच्छा लगा। और क्योंकि ऑनेस्ट ना, हम जब आए थे ना तो हम बहुत ज़्यादा पड़ाकू था, एंड पड़ाकू था ये सोच है, और हम इतना घुल मिलता नहीं था सबसे, मतलब टाइम पे मिलता था लेकिन स्टडी आउट में सिर्फ पढ़ता था, लेकिन ये लोग को मिलने के बाद पता चला हॉस्टल लाइफ कैसे इंजॉय करता है। सबसे पहले किसको मिला था वो भी बोलो। सबसे फर्स्ट हम धोइत्री को मिला था, यही है ये 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 हमको जब पता चला ये मेरा अपार्टमेंट का है, तो हमको अच्छा लगा था, मेरा रूम का पड़ोसी था तो फर्स्ट मिलने के लिए आया था, अच्छा लगा हमको। और इस इन पांचों से मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा। हम लोग का एक गैंग है, गैंग सिक्स सेक्सी गर्ल, सिक्स सेक्सी गर्ल, रियल में सेक्सी नहीं है, रियल में अगली क्रॉस है। हम लोग बहुत मजा आया, ओकेशन इवेंट सब में बहुत सेक्सी होते थे। और कुछ हॉस्टल में देखकर अच्छा लगा, सी यू सून। और इसका जो चैनल है मिसी चिल्ली, उसमें सबसे ज्यादा मेरा टोपरा ही देखने को मिला होगा शायद, और अभी से नहीं मिलेगा, अभी से इसका नया दोस्त हो गया, हो गया इतना ही। तो गाइस ये बोला था इसका फर्स्ट टाइम हॉस्टल में एंट्री होने के बाद इसका साथ दोस्ती बना, और ये लास्ट डे में ये दोनों का शर्ट सेम पहना हुआ है। को इंसिडेंट है ये कि वो लोग प्लान करके नहीं पहना था, लेकिन हाँ इस नीचे में तो इतना कचरा है, वीडियो है देखो गाइस, मेरा सबसे यूनिक है। हाँ यूनिक है क्योंकि इसका में तीन फोटो है, और इन लोगों में देखो दो दो स्पेशलिटी है। हाँ ये फोटो जो है मैसूर का है, ये फोटो जो है गुवाहाटी का है, ये फोटो जो है चेरापुंजी का है, ये फोटो जो है गोवा का है, और ये फोटो जो है ये भी चेरापुंजी का ही है। हाँ हो जाएगा। तो गाइस आज का वीडियो इतना तक ही था, हम लोग कैसा इंजॉय करता है हॉस्टल लाइफ ये सब, अब यही लास्ट होगा और कभी मतलब हम लोग को हॉस्टल लाइफ अभी से नहीं मिलने वाला है। सो हम खाना मिस अलॉट, बहुत ज़्यादा मिस करेगा हॉस्टल लाइफ को, और उसके बाद ये क्या बोले किसको मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा तो हमको तो नहीं मिलेगा, तो हम खाना मिस ऑल दिस मोमेंट्स अलॉट। और जब भी हम मिस करेगा उस टाइम हम ये यूट्यूब चैनल को हम खुद का ही वीडियोज हम देखते रहेगा। एंड आई सजेस्ट एवरीवन कि कोई भी मतलब अगर ये लाइफ मिस करने से वीडियोस देखते रहना अच्छा, इसके लिए हम वीडियोस बनाया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, हैव अ ग्रेट डे, लव यू ऑल।